सो हे गाइस, वेलकम बैक। तो जैसे कि आप सभी को बताएं, माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन का अपकमिंग 1.20 अपडेट बहुत ही जल्द रिलीज होने वाला है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इसी अपडेट के कुछ बहुत ही अमेजिंग फीचर्स के बारे में, एंड इसी के साथ हम जानेंगे ये अपडेट एग्जैक्टली कब रिलीज होने वाला है। बाय द वे, इस 1.20 अपडेट में एक नया मॉब स्निफर भी गेम में एड होने वाला है, बट इस वीडियो को आप बिल्कुल ध्यान से देखना। वीडियो के एंडिंग में मैं आप सभी को एक काफी कमाल का सेटिंग्स बताने वाला हूं, जिससे कि आप अभी के अभी अपने माइनक्राफ्ट वर्ल्ड में स्निफर मॉब को स्पॉन कर पाओगे। सो तो चलो अभी सबसे पहले तो बात करते हैं इस 1.20 अपडेट के नेम के बारे में। तो जैसे माइनक्राफ्ट के हर एक अपडेट को अपने थीम के हिसाब से एक यूनिक नेम दिया जाता है, उसी तरह से 1.20 अपडेट का नेम होने वाला है ट्रेल्स एंड टेल्स अपडेट। एंड ये अपडेट मेनली फोकस होने वाला है स्टोरी टेलिंग, वर्ल्ड बिल्डिंग एंड वर्ल्ड एडिट पे। तो अपडेट में आपको माइनक्राफ्ट वर्ल्ड हिस्ट्री, आर्कियोलॉजी के बारे में काफी सारी चीजें देखने को मिलेंगी। इन सभी चीजों के बारे में हम वीडियो के आगे बात करेंगे। तो नेक्स्ट अभी बात करते हैं इस अपडेट में कौन से नए मॉब्स ऐड होने वाले हैं। यहाँ पे टोटल दो नए मॉब्स ऐड होने वाले हैं, एक तो अपना कैमल एंड दूसरा स्निफर। तो कैमल डेजर्ट स्पेसिफिक मॉब रहेगा एंड ये हमें सिर्फ और सिर्फ डेजर्ट विलेजेस में ही मिलेंगे। दूसरी तरफ स्निफर लास्ट मॉब वोट का विनर था, तो इस बार 1.20 अपडेट में स्निफर भी गेम में ऐड होने वाला है। सर्वाइवल वर्ल्ड में हमें स्निफर के एग्स मिलेंगे, जिनको हैच करने पे स्निफर स्पॉन होगा। ये गाइस माइनक्राफ्ट का वन ऑफ द बिगेस्ट मॉब होने वाला है, इवन ये आयरन गोलेम एंड वार्डन से भी बड़ा है। इसके बाद आते हैं माइनक्राफ्ट अपडेट्स के मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट पे, यानी कि बायोम। तो 1.20 अपडेट में गेम में ऐड होने वाला है चेरी ब्लॉसम बायोम। इस बायोम से आपको पिंक वुड्स मिलेंगे, जिससे कि आप बोट, प्लैंक्स, मतलब सभी टूल्स बना सकते हो। अभी एक और इम्पोर्टेंट चीज, जैसे कि आपने नोटिस किया होगा, माइनक्राफ्ट के हर एक बायोम पे डिफरेंट विलेजेस होते हैं, विलेजर्स के ड्रेसेस भी डिफरेंट होते हैं। तो बहुत ज्यादा चांसेस है चेरी ब्लॉसम बायोम में भी हमें एक बिल्कुल यूनिक विलेज देखने को मिले, एंड क्या पता विलेज जापानीज थीम पे हो। आई मीन भाई, देखने में कितना सही लगेगा। नेक्स्ट, फाइनली इस अपडेट में माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन के लिए भी वर्ल्ड एडिट ऑप्शन आने वाला है। वर्ल्ड एडिट ऑप्शन जावा एडिशन में ऑलरेडी है, बट फाइनली 1.20 अपडेट में पॉकेट एडिशन में भी इसको ऐड किया जाएगा। इससे बेसिकली हम बिना कमेंट्स को यूज किए एक साथ काफी सारे ब्लॉक्स को प्लेस कर सकते हैं, या फिर एक बड़े एरिया को सिंगल क्लिक पे माइन कर सकते हैं। एंड ऑब्वियसली ये फीचर सिर्फ और सिर्फ क्रिएटिव वर्ल्ड्स में ही वर्क करेगा। बाकी पिछले कुछ अपडेट्स में भी जावा एडिशन के कई सारे फीचर्स पॉकेट एडिशन में ऐड हुए हैं। तो इससे ये बात तो साफ है, मोजैंग वाले अभी माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन पे भी काफी ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो डेफिनेटली आने वाले दिनों में माइनक्राफ्ट जावा एडिशन के कई सारे और भी फीचर्स पॉकेट एडिशन में आने वाले हैं, एंड इससे माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन का गेम प्ले एक्सपीरियंस और भी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। तो लास्टली अभी बात करते हैं माइनक्राफ्ट आर्कियोलॉजी के बारे में। तो इसमें बेसिकली गेम में एक नया ब्लॉक ऐड होने वाला है, दैट इज सस्पिशियस सैंड। सस्पिशियस सैंड का टेक्सचर नॉर्मल सैंड से थोड़ा सा डिफरेंट होगा, एंड ये सैंड हमें बस कुछ स्पेसिफिक लोकेशन लाइक डेजर्ट टेम्पल एंड वेल्स में मिलेंगे। सस्पिशियस सैंड के साथ ही साथ एक नया टूल ब्रश भी 1.20 अपडेट में ऐड होने वाला है। अभी ये ब्रश बेसिकली आपको हेल्प करेगा सस्पिशियस सैंड से हिडन आइटम्स को ढूंढने में। सस्पिशियस सैंड से आपको एमराल्ड्स मिल सकते हैं, शार्ड्स मिल सकते हैं। चार शार्ड्स को क्राफ्ट करके आप डेकोरेटिव पॉट बना सकते हो। डेकोरेशंस के लिए पॉट्स काफी अच्छे हैं, एंड इनमें आपको अलग अलग डिजाइंस भी देखने को मिल जाएंगे। तो ये सारे कुछ फीचर्स है जो कि 1.20 अपडेट में माइनक्राफ्ट में ऐड होने वाले हैं। इनके अलावा भी काफी सारे और भी फीचर्स हैं जो कि मैंने पिछले एक वीडियो में कवर किया था। अगर आपने वो वाला वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो फटाफट से जाके देखो, वीडियो का लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा। अभी 1.20 अपडेट के रिलीज डेट के बारे में बात किया जाए तो अपडेट मोस्ट प्रोबेबली मई महीने में रिलीज होने वाला है, बट इस अपडेट के कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो कि आप अभी जाके अपने माइनक्राफ्ट वर्ल्ड में ट्राई कर सकते हो, लाइक स्निफर मॉब। तो अभी आप अपने वर्ल्ड में स्निफर को स्पॉन कर सकते हो। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपके पास माइनक्राफ्ट का लेटेस्ट 1.19.70 वर्जन होना चाहिए। देन आपको एक नया वर्ल्ड क्रिएट करना है, एंड वर्ल्ड सेटिंग में से इन दो ऑप्शंस को एनेबल करना है। बाय द वे, अगर आपके पास माइनक्राफ्ट का लेटेस्ट वर्जन नहीं है तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं, सिंपली जाओ इस वीडियो के पिंड कमेंट में, वहां पे आपको एक वीडियो का लिंक मिल जाएगा। मुश्किल से 30 सेकंड्स का वीडियो है, वीडियो को देखो एंड वहां से आप बहुत ही इजीली इस वर्जन को बिल्कुल ही फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। तो आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही रखते हैं। आपको 1.20 अपडेट कैसा लगा मुझे कमेंट्स में डेफिनेटली बताना। मैं आप सभी से मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड गुड बाय।